के हमारा दिन शुरू हुआ था, मतलब जैसा रोज होता है जिम से। जिम कंप्लीट हो चुकी है, अब हम ले आ जाए हैं घर पे और फिर देखते हैं आज आगे क्या होता है। तो जिम से आने के बाद एक लास्ट मस्त बादाम शेक और बाकी आगे का काम बाद में करेंगे। दरअसल वहाँ से फिर वहाँ से 9:15 हो जाता है ना, सब कुछ करो तो 9:15 हो गया था। उसके बाद 9:15 में मार्केट ओपन होती है, तो मार्केट तो देखना सबसे ज़रूरी है। आके यहाँ पर बैठ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लैपटॉप खुले हुए रखे हुए हैं, खैर अभी तो एक ही खुला हुआ है। तो देखते हैं, बता दें कि अभी जो पेटीएम का IPO है कोई ज़रूरत नहीं। तो चाहे कितना भी महंगा सेटअप हो, अगर आप खुद एनालिसिस नहीं करते हो तो लॉस होना है। जैसे पेटीएम का जो IPO आया था उसमें मैंने 4 लॉट लिए हुए थे, 4 लॉट मतलब 2 अकाउंट से लिए थे, एक से तीन, तो टोटल 4 लॉट लिए हुए थे। और वो ऐसा गिरा, मतलब इतना डाउन ओपन हुआ कि उसमें मेरा 20,000 का लॉस था 2 दिन के अंदर, क्योंकि पहले ही दिन लॉस हो गया था वो 15% माइनस पे, तो लेकिन नहीं सेल किया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। अगले दिन और गिरा तो फिर वो लॉस हो गया था लगभग 20,000 रुपये का 2 दिन में। फिर मार्केट बंद रही, अब आज जाके मार्केट थोड़ी उठी हुई है, तो मैंने आज थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया मार्केट पर। टाइम देने के बाद में अब हम यहाँ पर लग जाते हैं थोड़े प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अभी मार्केट बंद नहीं हुई है, अब हम देखेंगे 3 बजे के बाद में, 3 बजे के बाद देखेंगे मार्केट में क्या हुआ। मतलब मैंने जो कुछ इन्वेस्टमेंट है वो सब हो चुका है, मार्केट जब ऊपर थी तभी सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका था, बहुत लग चुके हैं उसमें, अब और लगाने का मन ही नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे पेपर, इसमें लगभग 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो लगभग 5-6 घंटे लग जाएंगे, तो उनको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे। यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे कैमरा ऐसे लगा देते हैं, जो भी मैथ के थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहेंगे। मैं पढ़ रहा था तो मम्मी ये मोबाइल के साथ में ये बैटरी लेके आई, हालांकि सुबह एक बार और गिराया था मोबाइल, सुबह गिराया था बात करते टाइम, और दोबारा बैटरी लेके अलग आई है कि इसे लगा दो, मतलब क्या है। जबकि दो फिर एक तो बहुत खास बात यह है कि मेरी मम्मी है, मतलब मैं एक ही मोबाइल यूज़ करता हूँ, मम्मी मेरी 2 मोबाइल यूज करती हैं, एक जो है टच वाला बड़ी स्क्रीन का और एक ये छोटा वाला, है ना। ये क्या है, जब कहीं बाहर जाती हैं तो मतलब लोगों को ना पता चले कि हाँ भाई मम्मी बड़ा मोबाइल चलाती हैं, तो ये छोटा वाला मोबाइल ले जाती हैं, और घर पे रहती हैं तो बड़ा वाला वो है Note 7S वाला यूज करती हैं। तो भाई ये है, अब बोल रही हैं कि बहुत बोलता है ये लड़का, बहुत बोलता है। अब सच बोलना क्या गुनाह है, सच भी ना बोलें। चलिए, तो जो मोबाइल है मम्मी ने 1 मंजिल नीचे गिराया था, मतलब 10 फीट नीचे। तो अभी हम आए हैं आवाज़ का जो, मैंने देखा यहाँ पे रोड बन गई है, मतलब 4.5 साल में पूरे गड्ढे बने रहे लेकिन आज रोड बन गई है। मैं यहाँ पे पीनट बटर लेने आया था, तो भाई ये मैंने देखा है कि अभी पिछले 10 दिनों में कहाँ कहाँ की रोड बनी है। एक तो ये ठंडी सड़क वाली बन गई है, दूसरी ये इधर घटियाघाट वाली रोड बन गई है, और ये आवास विकास वाली मतलब 2 दिन के अंदर बन गई। घटिया वाली तो रात ही में बन गई, मतलब मैं पिछले दिन गया था तो वहाँ पे रोड नहीं थी, अगले दिन बन गई। और वैसा ही यहाँ पे हुआ है ना, वो मेन रोड एक तो फरुखाबाद फतेहगढ़ वाली बनी हुई है ना, फरुखाबाद फतेहगढ़ वाली, तो वो भी ऐसे ही बन गई। तो मतलब 4.5 साल तुमने कुछ भी नहीं किया, अब चुनाव आ रहे हैं तो तुम लोग दिखा रहे हो। मतलब ये लोग बिल्कुल जनता को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं कि नहीं बस लास्ट में दिखा देंगे। पूरे 4 साल आपकी सरकार में हमने गड्ढों में गाड़ियां चलाई हैं, गाड़ियों की हालत ख़राब हो गई, अब तब चुनाव है तो आप लोग रोड बनवा रहे हैं, तो समझ लो कि हाँ इनकी मानसिकता गलत है, पैसे या फंड की कमी नहीं है, एकदम पैसा नहीं आ गया। ठीक, तो अभी हम कादीघाट आए हुए हैं और इधर बहुत ज़्यादा जाम लगा, जब से वेदांता हॉस्पिटल बना है तो यहाँ पे जाम की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन आज कुछ यहाँ पे फंक्शन था तो काफ़ी ग्रामीण लोग भी आए थे फरुखाबाद में, तो यहाँ पे उस वजह से भी जाम है। आप देख सकते हैं पूरा कादीघाट में जाम ही जाम है, तो मैं गाड़ी घर पर खड़ी करके पैदल आया हूँ इसी वजह से। तो यहाँ पर कुछ समोसे पैक करा रहा हूँ घर के लिए, और आप जाम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जाम लगता है आजकल। तो आज पता नहीं क्यों DNA के एंकर चेंज हो गए हैं, तो मैं DNA देख रहा था तो मैंने कहा साहब मतलब अब DNA ही देख लेते, जहाँ TV भी अब समाप्त हो चुका है TV का सिस्टम। ब्लॉग में कुछ रह नहीं गया है बनाने को, तो एंड करते हैं ब्लॉग को। बाय बाय।